हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड टू मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12, जो हमारा ऑलरेडी स्टार्ट है। हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस टाइम में देखा था कि दो फ्रेंड थे, किसी के पास मार्कर इतने थे, किसी के पास इतने टोटल कितने होते थे, पेन मेरे पास और तुम्हारे पास, दोनों में से ज़्यादा किसके पास है, ये वाले भी एग्जाम्पल हमने देखे थे। थोड़ा सा आगे देखते हैं, तो यहाँ पे वेंकटेशा कैंटीन, मतलब रास्ते की कैंटीन आती है। आप जो रास्ते पे पालमपुर जाते हो, कानपुर जाते हो, छापे पे, वहाँ पे देखते हो कि नाश्ता की एक छोटी सी दुकान होती है, जहाँ पे समोसे है, दाबेली है, फिर वड़ा पाव, कई जगह पे तो डोसा, इडली, उत्तप्पा, ऐसी चीज़ मतलब फास्ट फूड जो होती है वो मिलते हैं साउथ इंडियन। यहाँ पे एक दुकान है छोटी सी, उसके बारे में। तो यहाँ पे हेल्प वेंकटेशा टू मेक द बिल, तो उसके जो बिल है वो बनाने में हमें क्या करनी है, उसकी मदद करनी है। तो यहाँ पे एक टेबल का बिल आया है, उन्होंने क्या खाया हुआ है नीचे, तो इस तरह से बिल है। एक बिल है, ये बिल में कितने रुपीज जो कस्टमर है, जो खाने को बैठा है, उसको इतने रुपीज पे करनी है, उसने कितनी चीजें खाई है। तो दो, एक डोसा खाया है और एक उत्तप्पा खाया है, तब देखते हैं कि कितने रुपीज होंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मैं जो भी चीज लेता हूँ उसके मुझे क्या करने हैं, पैसे पे करने हैं। मैंने जो खाया तो मैं क्या, वो क्या करेगा, जो दुकान वाला या शॉप वाला है, वो जो जो चीज़ें ली है उसकी जो जो कॉस्ट है, जो जो उसकी वैल्यू है, मतलब मनी, वो ऐड करेगा। तो यहाँ पर मैं उसका ऐड करता हूँ, जैसे कि 23 and 28। तो आपको पता है कि ये 2 वाले है वो टेंस में और ये 3 वाले वंस है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो वंस वाले हैं उनका हम पहले करेंगे एडिशन, ये जो रो है वंस की उसका एडिशन। जैसे कि 3 + 8 कितने होंगे, 3 + 8 होंगे 11। यहाँ पे 11 है, 9, 10, 11 टू डिजिट वाले। तो हम इसमें क्या करते हैं, जो यहाँ पे 11 रुपीज है तो मैं क्या करूँगा, 10 रुपीज के नोट और 1 रुपीज का नोट, ये 10 रुपीज का है वो यहाँ पे 1, 10 का 1 इधर और 1 रुपीज का कॉइन इधर, इस तरह से मिला, मतलब वंस वाला नीचे की ओर और टेंस वाला ऊपर की ओर चला जाएगा। अब टेंस की बारी है, तो टेंस में स्मॉल वाला 1 भी हमें काउंट करना है, 1, 2, 3 और 5 कितने होंगे, 5, तो उसको कितने पे करने होंगे, 51 रुपीज़, कितने 51 रुपीज़, जो एक डोसा और एक उत्तप्पा उसने खाया है उसको 51 रुपीज़ पे करने होंगे। तो आपके जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो बिल दिया है वहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल में 51 रुपीज होते हैं। तो आप वहां पे लिख दो, दूसरा एक बिल है जिसमें इडली
है 8 rupees। नीचे की ओर दिया है टोटल, तब यहाँ पे कितने रुपए उसको पे करने होंगे। तो यहाँ पे आप देखो, एक है 2 digit का नंबर और एक है 1 digit का नंबर, जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ 15 नंबर एंड 8 नंबर। ये है टेंस, ये है वंस, टेंस और वंस। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वंस वाले, यहाँ पे देखो एक ही नंबर है लेकिन मैंने उसको लिखा कहाँ पे है, तो वंस की नीचे ही लिखा है, कैंस के नीचे नहीं लिखते, वंस के नीचे ही लिखते हैं। तो 5 + 8 कितने होंगे, तो 5 + 8 होंगे 30। तब हम क्या करेंगे, ये जो कैंस वाला कैंस की प्लेस पे जो है उसको हम यहाँ पे स्मॉल 1 चला जाएगा और वंस वाला है वो यहाँ पे नीचे की ओर आंसर में लिखेंगे। फिर टेंस की जो है वो हम काउंट करेंगे, तो टेंस में देखो 1 तो था प्लस और एक टेंस 1 ऐड हुआ, तो 1 + 1 = 2। कितने रुपीज पे करने होंगे उसको, 23 rupees। कितने रुपीज, 23 rupees। तो ये वाला जो बिल है वो भी आपने टेक्स्ट बुक में दिया है, तो उसके अंदर भी इसे फिल करो। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और एक बिल दिया है अभी जहां पे नहीं पड़ा, और चिल्ली राइस, दही वड़ा कितनी प्राइस है, 25 रुपीज। चिल्ली राइस की 18 रुपीज है। ओके, तो कितने होंगे यहाँ पे, इसको कितना बिल पे करना होगा वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप जो है वो अपने अपने तरीके से पहले सॉल्व करो। क्या करेंगे हम, सबसे पहले 25 और 1 = 8 इस तरह से लिखेंगे, उनका हम करेंगे एडिशन। ये हमें पता है ये कौन सा है टेंस और ये वंस वाला। तो सबसे पहले हम करेंगे वंस की जो रो है कॉलम वाला दिया हमें, उसको हम क्या करेंगे काउंट। तो 5 + 8 कितने होंगे, अभी तो हमने किया था तो 13, जो 13, तो वंस वाले नंबर यहाँ पे और टेंस प्लेस वाले नंबर यहाँ पे स्मॉल ऊपर की तरफ आगे। तो अब फिर टेंस की जो है काउंट करेंगे, तो 1, 2, 3, 4 कितने आए, 4। तो कितने रुपीज उसको पे करने होंगे, 43 रुपीज। कितने, 43 रुपीज। अभी पापा के साथ घर से बाहर गए और कई बार होटल में खाने के लिए, तो जो होटल वाले होते हैं वो बिल बना के देते हैं, तब आपके पापा अगर देखते हैं तो उसमें काम करते हैं। आपके पास में आपको भी दिया होगा कि आप देखो ये बिल में क्या किया है, तो वहाँ पे जो जो सब्जियाँ मंगवाई होंगी उसकी रेट लिखा होगा, उसका जो भी कॉस्ट है वो लिखा होगा, फिर उनका टोटल करके आपको दिया होगा कि आपने इतनी इतनी चीज़ें
खाई है और उनकी इतनी प्राइस थी तब आपको इतने पैसे दे दिए। ये वाला बिल भी आप अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें लिखो। नेक्स्ट और एक बिल दिया है हमें, तो देखते हैं वहां पे है सूप भी है। जो सूप है वो कितने रुपीस का है? 27 रुपीस। कितने? 27 रुपीस। फिर नूडल्स, नूडल्स कितने रुपीस के लिए हमें? 15 रुपीस। यहाँ पे अब हमें इनका टोटल करना है कि ये कितना बिल बनेगा जो ये लोग खाने आए हैं नूडल्स और सूप, तो उनके कितने बनेंगे बिल। तो भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, एडिशन। देखो आप किसी भी होटल में जाओ या किसी भी शॉप में जाओ तो आपका बिल है वो एडिशन में ही होगा, क्योंकि आप ऐड ही करोगे, क्योंकि जो भी चीज़ लेंगे वो क्या करेगा, सारे चीज़ की चीज़ों के पैसे एक ही साथ गिन के फिर आपको बोलेगा कि आपको तो टोटल इतने दे देंगे। ये जो इस साइड की जो प्लेस है वो हम बोलते हैं टेंस, और इस साइड की जो प्लेस है उसको हम बोलते हैं मंथ्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वंस वाले हैं उनको हम ऐड करते हैं। तो 7 प्लस 5 कितने होंगे? 7 प्लस 5 ऐड करेंगे तो 7 प्लस 5 होंगे 12। अब 12 में क्या करना है हमें, जो वंस वाला है तो वो यहाँ पे लिखेंगे और टेंस वाला है वो यहाँ पे स्मॉल ऊपर की ओर। फिर जो टेंस की पूरी जो कॉलम है वो हम काउंट करते हैं, तो 1 2 3 4 कितने होंगे? तो ये हमारा टोटल बिल कितना होगा इसका? 42 रुपीस। कितने होंगे? 42 रुपीस। यहाँ पे आप जो ये वाला बिल है उसमें भी लिख सकते हो 42 रुपीस। ओके, तो ऐसे में वन बिल जो दो है वो मैं आपको क्या करता हूँ, होमवर्क में दे रहा हूँ, जो आपको घर से होमवर्क करना है। अब देखो जो होमवर्क वाली बिल, मैं खाने गया हूँ तो मैं क्या क्या खाता हूँ वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक डोसा खाया जो था 25 रुपीस। कितना था? 25 रुपीस। डोसा खाने के बाद मैंने फिर
कॉफी पी, तो कॉफी कितने की थी? 50 रुपीज। इसका आंसर आपको लाना है। ए, ये मैं सुबह नाश्ते के लिए गया था, शाम को फिर से मैं नाश्ता करने के जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं जाके खाता हूँ दही बड़ा। दही बड़ा और दूसरा सूप पी लेता हूँ। दही बड़ा की प्राइस थी 80 रुपीज़ और सूप की प्राइस थी 35 रुपीज़। अब हमें क्या करना है? आपको घर से ये जो दो बिल है इसका आंसर घर से आपको होमवर्क में करना है। ओके, देखो किस तरह से, तो मतलब मैंने प्राइस देखी, लेकिन अभी के हिसाब से देखो तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। मार्केट में जाओगे तो आपको एक दही बड़ा है वो कम से कम 25 to 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं जो एक पीस में आते हैं, और सूप है तो वो तो 50 रुपीज़ से स्टार्ट होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी मार्केट में रियलमी, क्योंकि ये छोटे छोटे रेट क्यों दिए, आपको अच्छे से गिन सको, आपको काउंट करना आए इसलिए। ओके, अगर और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे, या फिर मुझे कॉल करके बता सकते हैं। ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको घर से होमवर्क में करने हैं। थैंक यू।